तो आज है डे 18 आई थिंक 16 या 17। तो सीन ये है कि ये बकरी आ रही है पीछे, फिलहाल इसे भगाना है। समझ रहे हो? तो ये सीन और धुंध आपने पीछे देख ली होगी, सर्दी कितनी तेज है। ये धुंध है, ये हमारे रिजवान है, तो रिजवान है। तो अभी ये सीन है कि मैं आपको ज़्यादा बोर कर रहा हूँ, मुझे आपसे एक दो मिनट चाहिए, आपकी दो बातें करनी है। बात नंबर एक, मैंने आपको बताना था कि जब भी मैं गांव आता हूँ ना, घर में होता हूँ, मेरी रूटीन ये होती है कि बस बैठ गया, खा लिया, पी लिया, सो गए, लैपटॉप यूज़ कर लिया, ये सीन। तो जब मैं गाँव आता हूँ तो यहाँ ये होता है कि मेरा यहाँ गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है, कोई मुझे रोकता नहीं है, मतलब बाहर घूमो आज़ादी से, इतनी भी आज़ादी नहीं क्योंकि मतलब हमें वो आज़ादी हूँ, तो ठीक है ना। हमें तो दूसरी बात ये थी कि आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, आज जितनी भी गेम्स करनी है, जितने भी वीडियोज़ बनानी है, सभी आज ही करनी होंगी, उसके बाद पीछे धूप निकल गया इसका सब, ठीक है। तो उसके बाद ये होगा फिर, मतलब कि घर में वही रूटीन, फिर वीडियोस थोड़ी हो जाएंगी। इसकी सीरीज़ तो मुश्किल ही है, एक ट्रेलर फेंक दूंगा फेसबुक पे थोड़ा सा ना मसालेदार। तो उसके बाद ये सीन है कि क्या बात कर रहा था मैं, हाँ मैं घर में क्या कह रहा था, मैं 3 दिन में आ जाऊँगा, अब दूसरा वीकेंड होने वाला है, समझ रहे हो? तो लान पे तो अलग पड़नी है, नानों का घर आए इतना तो बनता है ना, ज़रूरी नहीं है लेकिन है, कर लो तो अच्छा है, जो बात है बस ये बातें थी। आज का डे स्टार्ट होता है यहाँ पे, अभी ऐसा सीन है, अभी धूप निकल आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं रोशन चेहरा, रोशन मुस्तकबिल, और पीछे मेरे कज़न देख रहे हैं, इनकी ये हालत होती है। तो मैं सीधा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। देख रहे हो, सुन रहे हो ना, ये इनकी हालत है। ये पीछे नाला है, ये व्यू है, ये हमारी नानों का घर है, और ये गली और वो पुल है, ठीक है, समझ रहे हो? बाकी वहाँ भैंसों का छप्पर जिसे टोपा कहते हैं, वो सीन है, ये सीन है। और ये धूप भी निकल आई माशाल्लाह से। इन द बिनिंगिंग I just wanna rise to the top, yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, yeah, you'll see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy taking you out, I could be the villain, but that is okay. Lately I'm painting my path and my way, yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man. You know that I go insane, yeah, I hit you with a bullet to the brain. Then it's that first, cause we go and you go in this train.
You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a choice in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. Man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match, yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best, yeah. We be the best, best. Yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, best, yeah. We be the best, hey. Yeah, we be the best, best, hey. We be the best, yo. You wanna come from a test, whoa. You want to see we the best, hey. You don't see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really come on and we pull out with the action. Cause people defeat those they don't get it like. मैंने अपने स्टार्टिंग के एक व्लॉग में कहा था कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए, तो पहले नहीं था, अब हो रहा है। आप ज़्यादा देख भी रहे हैं कि कौन कौन वीडियो में आया था, कभी इंट्रो भी नहीं करवाता और ऐसे छपाक से वीडियो में। हेलो गाइस, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो ये सीन हो जाता है। तो वही हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा ये सीन है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मिनी ट्रैक्टर है, ये हमारा बॉय है और ये आपका बॉय है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इंजन इन्होंने होंडा 125 का मतलब इंजन डाला है और इसमें तकरीबन 2 हॉर्स पावर की मतलब कैपेसिटी है, मतलब भाग सकता है, सही है। और वेट तकरीबन ये लिफ्ट कर सकता है 2 से 3 बोरियाँ 40 kg की, सही है। और उसके बाद काफ़ी अच्छा है और शो पीस भी हो सकता है, उसके अलावा चशके ही है ना। और बाकी तकरीबन ये ट्रैक्टर ना वहाँ खड़ा था, हमने गुजारिश की, हमने कहा ये थोड़ा पीछे विंटेज वाला वाइब आता है, थोड़ा ओल्ड लुक है ना, हमने कहा इनके सामने थोड़ा कर लें, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट अच्छे हो जाएंगे। सलमान भाई और मैं चुप करके बैठ बस ये सीन है और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये चाबी है, ये भाई ने हमें दी थी सर, जजाकल्ला। ठीक है, चलते हैं फिर। ये भाई साहब हैं जिन्होंने हमें ट्रैक्टर की अलाउ किया था कि वीडियो बना सकें, सर हाय कर दें वीडियो में, जजाकल्ला। ठीक है सर, चलते हैं। जेंटलमैन मैं और मेरे साथ सलमान, और हम आए थे ज़रा चाय शाय कैफ़े पे। ये रिंग ज़रा ढीली है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चाय मंगवाएं, कड़क चाय, दूध पत्ती, दालचीनी, सौंफ चाय, जो अभी मतलब मज़ा आएगा वही, मतलब समझ रहे हो। तो अभी डिसाइड करते हैं। इसमें ये डिटेल्स हैं, तो अभी हमारा अचानक मूड बन गया, शायद हम पराठा ट्राई करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कौन सा पैसे लगते हैं, लगते हैं, लेकिन इतने भी नहीं, समझ रहे हो। हम कोशिश करेंगे ज़रा मुनासिब। ये कोई फूड फूड सीक्रेट्स वाला कोई चैनल नहीं है, कुछ क्या है ना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लो तो अच्छा है। तो हमारे चिकन वाले पराठे आ चुके हैं और साथ में 2 कप चाय है। बिल सलमान भाई पे करेंगे, हम सरकारी खाते में हैं। कभी सोचना भी मत कभी सोचना भी मत, समझ रहे हो, पीर ज़्यादा इज हियर। मैं हमारे तो ज़रा चाय शाय कैफ़े पे, ये ज़रा बैकग्राउंड है, इधर हमने सोचा था कि थोड़ा सिनेमैटिक सीक्वेंस बनाएं, बट व्यू अच्छा है, लेकिन सलमान भाई से पूछते हैं क्या कहते हैं। शाका वीडियो बनाए लगता है शाका का कोई मूड नहीं है खास, तो ज़रा यहाँ से कट ही लेते हैं हम लोग। बाय। हम आए थे ज़रा नानी घर, हमने सोचा यहाँ भाई की क्लीन शेव करा लें।